अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे संजार शर्मजार के बाजार में उस जगह खड़ा होता है जहाँ उसे तुन खातून ने बुलाया था। इसी दौरान वहाँ तो न खातून आती है और संजार से कहती है, तुम शर्मजार में क्या कर रहे हो? बाबा ने तुम्हें कहा था कि तुम दोबारा शर्मजार में नजर मत आना। इस पर संजार कहता है, क्या ये जान मेरी जान नहीं है? तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हो? जवाबन तुन खातून कहती है, ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो बस खून बहने की परेशानी लाक हो रही है। सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो और ऐसा लिबास क्यों पहना हुआ है? इस पर संजार झूठ बोलते हुए कहता है, मैं अपने खास कपड़े पहन लेता और अमीरुल तबर की नज़रों में आ जाता। इसी लम्हे वहाँ एक सिपाही आता है। सिपाही को देखकर संजार तुन्ना खातून को एक जानब ले जाता है और तुन्ना खातून संजार से कहती है, तुम यहाँ से जल्दी से जाओ वरना अपनी जान खो बैठोगे। ये सुनकर संजार वहाँ से चला जाता है जबकि तुन्ना खातून उसे जाते हुए बहुत गौर से देख रही होती है। इधर सलजुकी महल में सुल्तान मलक शाह अनातोलिया का नक्शा रखे हुए सामने खड़े होते हैं और ताजर मुल्क को जंग की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब जंगी आलात तैयार हो जाएंगे तो हम सदियों से पहले ही सफ़र का आगाज़ शुरू कर देंगे। फिर मलक शाह निज़ामुल मुल्क से पूछते हैं, हमारे जासूसों की जानब से कैसी खबरें मौसूल हुई हैं? जवाबन ख्वाजा निज़ामुल मुल्क कहते हैं, माजी की सदियाँ सख्त थीं, ये सदियाँ उससे भी ज़्यादा सख्त होंगी। मलक शाह कहते हैं, अगर हम सदियाँ ख़त्म होने से पहले इन रास्तों से जाते हैं तो हमारा लश्कर हलाक हो जाएगा, हम हदफ तक पहुंचने से पहले ही शिकस्त का सामना करेंगे। ये सुनकर ताजर मुल्क कुछ बोलने लगता है तो मलक शाह जंग का नक्शा लपेट देते हैं और जाकर तख्त पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, जंगें सिर्फ सिपाहियों से नहीं लड़ी जाती, आपको एक ऐसे माहरीन से मिलने की ज़रूरत है जो मौसम के हाल के बारे में जानते हों। हम इस जंग को फिर से तरतीब देंगे। अनातोलिया का मसला कम से कम वक्त में हल होना चाहिए ताकि हम अपनी ताकत को सबसे पहले कोवल किले भेजें। ये सुनकर ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर मलक शाह तपार से कहते हैं, शिकार की तैयारियां शुरू की जाएं। तपार कहता है, जैसे आपका हुक्म। इसके बाद सुल्तान मलक शाह के मशीर हाजिब कमाल के अलावा तमाम लोग वहां से चले जाते हैं और मलक शाह हाजिब कमाल से कहता है, हमें अंदरियाज को हमारी ज़मीनों पर कुछ करने से पहले रोकना होगा, किसी अच्छे कासद को लाओ, हम उसे कौल के लिए भेजेंगे। दूसरी जानब शर्मजार में एक बातनी लोगों को जमा करके उनसे कुरान के मुतल्लिक बातचीत कर रहा होता है। संजार और उसके साथी भी वहीं मौजूद होते हैं जबकि बातनी सरबरा और उसके करीबी साथी भी वहीं मौजूद होते हैं। इसी दौरान संजार बोसजूक को इशारा करता है तो बोसजूक बुलंद आवाज से बातनी से कहता है, ए गाफी, कलाम अल्लाह की तशरीह बयान करने की तेरी क्या औकात है? फिर बोसजूक लोगों से कहता है, ए लोगो, क्या ये बदमाश अब हमें दीन सिखाएगा? आओ अपने दीन को इस मुनाफिक के हाथों से तबाह होने से बचाएं। ये सुनकर लोग मुश्तिल होकर उस बातनी की तरफ बढ़ते हैं जिससे बाजार में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान वहाँ अमीरुल तबर पहुंच जाता है और गुस्से से उस बातनी से कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो जिससे मेरे शहर का गुस्सा बढ़ गया है? हमने तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी, जाओ और अपने शहर में जाकर हकायक बयान करो, मेरी आवाम को गुमराह करने की कोशिश मत करो। इस पर वो बातनी कहता है, असल गुमराही तो तुम्हारा हमारी हकीकत को कबूल ना करना है, मैं आपको अपनी हकीकत की तरफ दावत देता हूँ। अमीरुल तबर, तुम जिस रस्ते पर हो वो हक का नहीं है। ये सुनकर अमीरुल तबर गरजते हुए कहता है, ओए खबीस, हकीकत में गुमराही तुम जैसों की गर्दन ना उड़ाना है। ये कहकर अमीरुल तबर तलवार से उस बातनी की गर्दन एक ही वार में काट देता है। ये देखकर बाजार में अफरा तफरी फैल जाती है और लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं जबकि रुस्तम तलवार निकालकर बुलंद आवाज से कहता है, तुम्हारा ना हक जुल्म बहुत हो गया। इसके साथ ही बाजार में एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। जंग के दौरान अमीरुल तबर बुरान को पकड़ लेता है। इस पर संजार एकदम से आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। काफी देर के बाद अरसलान ताश और बोसजूक को अमीरुल तबर के सिपाही गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सूरतेहाल देखकर बातनी सरबरा वहां से खिसक जाता है और संजार बुराम को लेकर जैसे ही वहां से भागने लगता है, अरसलान ताश को अमीरुल तबर के सिपाहियों के पास गिरफ्तार देखकर रुक जाता है और अमीरुल तबर गुस्से से कहता है, इन्हें पकड़ो, इन्हें भागने मत देना। ये सुनकर अरसलान ताश संजार को वहां से भागने का इशारा करता है। इसी दौरान तुरना खातून संजार का चेहरा निकाब में होने के बावजूद उसे पहचान लेती है और संजार बुराम के साथ वहां से भाग जाता है जबकि अमीरुल तबर के सिपाही पूरी तेजी से उनके पीछे जाते हैं और वहां मौजूद संजार के साथी संजार और बुराम को वहां से भागने में उनकी भरपूर मदद करते हैं। दूसरी तरफ मशीर हसन सबा से कहता है, हम जल्द कोवल के लिए कासिद भेजेंगे, तुम मेरे साथ आओ। दूसरी जानब संजार और बोराम जंगल में पहुंच जाते हैं और एक मुकाम पर रुक जाते हैं। बोराम कहता है, तुमने हमें शैतान के जाल से बचाया बहादुर आदमी, हमें हुस्ने जमाल भी जरा दिखाओ। ये सुनकर संजार अपने चेहरे से निकाब हटा देता है। उसे देखकर बोराम मुस्कुरा देता है और कहता है, तुमने हमारी खातिर अपनी जान को खतरे में डाल दिया, अब वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। इस पर संजार कहता है, आप लोग शुरू से ही जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, हमारी जानों की इतनी अहमियत नहीं है। फिर बोराम कहता है, हमारा एक आदमी रुस्तम उन गद्दारों के कब्जे में है। ये सुनकर संजार कहता है, मेरा भाई भी उनके
कब्जे में है, हमें कुछ करना होगा। जवाबन बोराम कहता है, जब तक हालात साजगार ना हो जाएं, हमें मुतात रहना होगा। इसी लम्हे उन्हें अबीरुल तबर के सिपाही आते हुए दिखाई देते हैं। सिपाहियों को देखकर संजार कहता है, आप जंगल की तरफ जाएं, मैं इनका हिसाब करता हूँ। उसके बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और बोराम जंगल की तरफ चला जाता है, जबकि संजार अमीरुल तबर के सिपाहियों के सामने आकर घोड़ा रोक लेता है। संजार को देखकर अमीरुल तबर का सिपाही उसे तीर मारता है, लेकिन संजार एक तरफ होकर खुद को बचा लेता है। फिर संजार अपने घोड़े को भगा लेता है। संजार को भागता देखकर अमीरुल तबर के सिपाही उसके पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही रास्ते में छुपे संजार के सिपाही अमीरुल तबर के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और फिर एक जबरदस्त लड़ाई के बाद उन्हें जमीन पर पटक देते हैं।